मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज में माया अर्नोल्ड एंड न्यूक यूज करके आप कैसे इस तरह की लाइटिंग एंड कंपोजिटिंग कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज में वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो एक लाइट आर्टिस्ट के लिए चाहिए। सो इस ट्यूटोरियल सीरीज को आप लास्ट तक देखना एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। डायरेक्शनल स्लाइड हर 3D सॉफ्टवेयर में शान के हिसाब से यूज होता है। अगर आप अर्नोल्ड लाइट मेनू देखोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्शनल लाइट नहीं पाओगे। यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट इंसर्ट करने के लिए या फिर रेंडरिंग पैनल में आना है। रेंडरिंग पैनल में दो नंबर जो लाइट है वो है डायरेक्शनल लाइट। यहाँ पे वन क्लिक करने के बाद सीन में आपका डायरेक्शनल लाइट आ जाएगा। इसको रिनेमिंग करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करना है यहाँ पे शान। तो इसे आप जब 3D सीन में शान के लिए, मैंने इस 3D सीन में ये दोनों लाइट शान एंड शान सॉफ्ट, ये दोनों लाइट डायरेक्शनल लाइट है एंड इसे शान लाइट के लिए यूज किया हूँ। तो यहाँ पे जब 3D सीन में आप देखोगे, ये दोनों को मैं फर्स्ट हाइड कर देता हूँ एंड ये जो लाइट है ये आप देख नहीं पा रहे हो इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो इसे स्केल करने के लिए प्रेस आर, यहाँ से सेलेक्ट प्रेस आर, नेक्स्ट इसे स्केल करना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आप अगर लाइट को स्केल करते हैं तो इसकी जो लाइट है, सीन में जो लाइट है उसकी कुछ नहीं चेंज होगा। एंड ये अगर इसे मूव करते हैं, इसे इस तरह से मूव करते हैं तो लाइट की कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ओनली अगर आप इस लाइट को रोटेट करोगे तो इसकी जो स्थान की डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाएगा। ये स्केल और मूवमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओनली रोटेशंस इसके ऊपर काम करता है। तो इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शंस आपको सेट करना है इस तरह से। अभी रेंडर सेटिंग्स की इस अर्नोल्ड दो नंबर जो पैनल है अर्नोल्ड रेंडर, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। आप अगर रेंडर टेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस को वन रखिए क्योंकि अगर इसे इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे टेस्ट करने की जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप रेंडर आउट करते करना चाहते हैं, रेंडर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को टू कर दीजिए एंड इस ऑप्शंस को 8 एंड इस ऑप्शंस को 2। नेक्स्ट यहाँ से रेडेथ सेम इसकी तरह है, इसे आप 2 कर दीजिए एंड यहाँ पे टोटल जो वैल्यूज है इसे 10 कर दीजिए। बस टेस्ट करने के समय हर जो ऑप्शंस है यहाँ पे सारे ऑप्शंस को 1। नेक्स्ट आते हैं कलर। कलर में इस स्विच में डबल क्लिक करने के बाद एक कलर पैनल ओपन होता है। यहाँ पे आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं लाइट के लिए, हार्ड लाइट के लिए, लेकिन शान लाइट के लिए आपको चूज करना है योलो, हल्का सा योलो। अगर आप यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन वैल्यू की जो 44 एंड 0.3 एंड 1 आप यूज करते हैं तो इस तरह की जो लाइट मेरे सीन में है आपके सीन में भी सेम लाइट हो सकता है। नेक्स्ट और एक कलर पैनल है यहाँ पे अर्नोल्ड मेनू में। अगर इस कलर को यूज करना चाहते हैं तो ये कलर स्विच नहीं चाहिए, ये सिर्फ वैल्यू की ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यूज कलर टेम्परेचर इस ऑप्शंस को आपको ऑन करना है। यहाँ पे टेम्परेचर वैल्यू को, सिर्फ टेम्परेचर वैल्यू को आपको सेट करना है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो जो वैल्यूज है, यहाँ पे 1000K, यहाँ पे 2000K, यहाँ पे 3000K, यहाँ पे 4000K, इस तरह से यहाँ पे 20000K। इस वैल्यू को अगर 20000K यहाँ पे यूज करते हैं, 20000K यूज करते हैं तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे एंटर, ये सेम इस कलर की तरह होगा। तो अगर आप 5000K 4000K इस तरह से यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं किस कलर को आप सीन में यूज करना चाहते हैं। आप अगर अर्नोल्ड डॉक्यूमेंटेशंस गूगल से सर्च करते हैं तो ये सारे कलर की जो वैल्यूज है ये आप वहाँ से पा जाएंगे। तो
ये सारे इस तरह से आप यहाँ पे इस वीडियो में जो कलर की जो वैल्यूज है इस कलर को देख के भी एक कलर सेट कर सकते हैं। तो अगर आप रेड कलर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वैल्यू को यूज करना है, यहाँ पे ब्लू कलर यूज करना चाहते हैं इस तरह की ब्लू कलर तो इस वैल्यू को यूज करना है। तो ये थी इस पैनल को इस कलर को यूज करने का तरीका। मैं इस ट्यूटोरियल में इसे प्योर व्हाइट कर देता हूँ, यहाँ से प्योर व्हाइट। नेक्स्ट इसमें 4000 यूज करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोजर एंड इंटेंसिटी, ये भी सेम है लेकिन इसकी यूज करने का तरीका डिफरेंट है। हम लोग इस इक्वेशंस को देखते हैं, इस इक्वेशंस में ये जो कॉलम्स है ये है इंटेंसिटी, ये है एक्सपोजर। मतलब यहाँ पे जो ब्राइटनेस वैल्यू है, ब्राइटनेस वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे इंटेंसिटी अगर यूज करते हैं तो इंटेंसिटी 0, 1, 2, लेकिन अगर एक्सपोजर यूज करते हैं तो 2 की पावर होके ये यूज होता है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आप 1 यूज करते हैं तो सिंपली 1, इंटेंसिटी 1। अगर यहाँ पे 1 यूज करते हैं तो 2 टू द पावर 1, मतलब 2 यूज होता है। अगर यहाँ पे आप 2 यूज करते हैं तो सिंपली ये 2, इंटेंसिटी वैल्यू 2। नेक्स्ट अगर इसमें यूज करते हैं तो 2 टू द पावर 2 यूज होता है। एक्सपोजर पे अगर आप 2 यूज करते हैं तो 2 टू द पावर 2, मतलब वैल्यू 4 यूज होता है, ब्राइटनेस वैल्यू। अगर यहाँ पे अगर 4 यूज करते हैं, यहाँ पे अगर 2 यूज करते हैं एंड यहाँ पे अगर 4 यूज करते हो तो सेम लाइट आप सीन में पा सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 यूज करते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर वैल्यू 3, मतलब है 2 टू द पावर 3 आप यूज कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8। अगर सेम लाइट यहाँ पे आप एक्सपोजर 8 यूज कर रहे हैं, लाइट की ब्राइटनेस वैल्यू अगर 3 यूज करते हैं तो यहाँ पे 8 होगी, 2 टू द पावर 3, मतलब 8। अगर सेम वैल्यू यहाँ पे चाहते हैं तो इंटेंसिटी वैल्यू को आपको 8 करना होगा। यहाँ पे 3 यूज करना और यहाँ पे 8 यूज करना सेम है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सपोजर वैल्यू अगर 4 यूज करते हैं तो 2 टू द पावर 4, मीन्स 16 आप यूज कर रहे हैं। सेम वैल्यू पाने के लिए यहाँ पे ओनली यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 16। अगर यहाँ पे 0 रखना चाहते हैं, 0 नहीं, यहाँ पे 1, हर बार 1 ही रखना है 1, एंड यहाँ पे यूज करना है ओनली 4। अगर यहाँ पे 4 यूज करते हैं, 1 एंड 4 यूज करते हैं, जो वैल्यू होगा यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 16 यूज करते हैं तो सेम वैल्यू होगा। नेक्स्ट हम लोग इस एंगल को देखेंगे। एंगल वैल्यू ये डिसाइड करता है, आप अगर यहाँ पे एंगल वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इस इमेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है एंगल वैल्यू 0। आप जब 0 यूज करेंगे इस तरह से हार्ट इज जनरेट होगा। आप अगर थोड़ा सा ब्लोरीनेस और सॉफ्टनेस चाहते हैं तो यहाँ पे जो एंगल वैल्यू है इसे आपको इंक्रीज करना होगा। मैं 1 दे के इसमें रेंडर किया है जिसमें थोड़ा सा एज की जो हार्डनेस है वो हार्डनेस कम हो जाता है। नेक्स्ट इसकी वैल्यू जब 10 दे के मैं रेंडर किया तो ये इस तरह से जो हार्ड एज था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और स्मूथ सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आया है। आप अगर सीन में इसे चेक करोगे तो यहाँ पे 0 वैल्यू है, मेरा रेंडर इस तरह से आया है, मैंने दिखाया था पहले। अगर इस वैल्यू चाहते हैं, ये 10 दे के मैंने रेंडर किया था, यहाँ पे 10 यूज़ करना है। जब आप 10 यूज़ करोगे तो यहाँ पे मैं इसकी जो रेंडर हो चुका है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हार्ट इस था इस सीन में, यहाँ पे जो हार्ट इस था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है एंड यहाँ पे स्मूथ ट्रांजेक्शंस, मतलब हार्ट इस टू सॉफ्टर इस को कन्वर्ट करता है एंड सॉफ्टनेस ट्रांजेक्शंस लाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है नॉर्मलाइज एंड वॉल्यूमेट्रिक, ये दोनों को अभी के लिए छोड़ देते हूँ। नॉर्मलाइज मैंने एरिया लाइट की ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा एंड वॉल्यूमेट्रिक लाइट जो है इसे स्पॉट लाइट की ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इन दोनों ऑप्शंस को अभी के लिए छोड़ देता हूँ। अभी मैं कास्ट शैडो
जो है यहाँ पे जो शैडो आ रहा है, अगर आप इस ऑप्शंस को ऑफ कर देते हैं तो कास्ट शैडो, यहाँ पे जो शैडो आ रहा था वो हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कास्ट शैडो यूज करते हैं तो इस तरह से शैडो आता है, एंड अगर इसे यूज करते हैं तो भी और एक ऑप्शन है यहाँ पे शैडो डेंसिटी। आप इसकी जो शैडो डेंसिटी है, मतलब शैडो आप कितनी मात्रा में शैडो चाहते हैं, अगर शैडो नहीं चाहते हैं तो इसे ज़ीरो कर दीजिए। इसे ज़ीरो करना और इसे ऑफ करना सेम है, तो कितनी मात्रा में आप शैडो चाहते हैं तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो विजिबिलिटी पैनल्स है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। विजिबिलिटी पैनल ये है, आपकी जो लाइट है उसमें डिफ्यूज है, स्पेकुलर है, साफ साफ स्कर्टिंग है, एंड इनडायरेक्ट है, वॉल्यूम है, ये सारे ऑप्शंस है। अगर आप किसी भी ऑप्शंस को सीन में ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। मैंने डिफ्यूज को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे सारे जो डिफ्यूज, इस लाइट की जो डिफ्यूज था वो पूरी तरह से इस ऑप्शन से ऑफ हो जाएगा। अगर आप स्पेकुलरिटी को ऑफ करना चाहते हैं, इस लाइट की जहाँ जहाँ इस लाइट की स्पेकुलरिटी यूज होगा वो इस ऑप्शन से ऑफ हो जाएगा। सब सरफेस कटिंग, ये सारे ऑप्शंस, अगर सब सरफेस कटिंग, और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आप इस लाइट की जो प्रॉपर्टीज आपको सीन में नहीं लगेगा इसे आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये रेंडर टाइम इंक्रीज करता है। अगर इस लाइट की कुछ वॉल्यूमेट्रिक आपको नहीं लगेगा, वॉल्यूमेट्रिक क्या है, मैं एक एग्जांपल, वॉल्यूमेट्रिक है वॉल्यूम लाइट। यहाँ पे इस सीन में ये जो सनलाइट तो आ रहा है लेकिन उसके साथ कुछ वॉल्यूम्स यूज हुआ है, इसे आप इस लाइट में यूज नहीं किए हुए हैं तो उस वॉल्यूमेट्रिक ऑप्शंस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये जब ऑन रहेगा तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेगा एंड आपकी जो रेंडर टाइम है उसे भी इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह की वॉल्यूम आप इस लाइट से यूज नहीं किए हुए हैं तो इस वॉल्यूम ऑप्शंस को ऑफ कर दीजिए। इस लाइट के थ्रू आप सब सरफेस स्कैटरिंग नहीं जनरेट करते हो तो इस सब सरफेस स्कैटरिंग को भी ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट, ए थ्री ऑप्शंस ये रहना चाहिए, ये रहने से अच्छा लाइट होता है, डिफ्यूज, स्पेकुलर एंड इनडायरेक्ट। तो वॉल्यूम लाइट है, सन लाइट में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो सन इफेक्ट्स को और बेटर और नाइस लुक्स लाता है, वॉल्यूम इफेक्ट्स। मैं स्पॉटलाइट की जो ट्यूटोरियल होगा उसमें वॉल्यूम लाइट को डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो आप यहां से कुछ आइडिया ले सकते हैं, ये जो लाइट के आसपास जो एरियाज है उसमें जो बाउंसिंग जो इफेक्ट्स है जेनरेट हुआ है ये वॉल्यूम के थ्रू हुआ है, तो वॉल्यूम इस तरह की इफेक्ट कर जेनरेट करता है। नेक्स्ट आते हैं मैक्स बाउंस, ये ऑप्शंस। इस इमेज को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस, इस इमेज में ज़्यादा डार्कनेस है एंड इस इमेज में थोड़ा सा ब्राइटनेस है। मतलब है अगर आप मैक्सिमम बाउंस 999 यूज करते हैं तो ये सीन में बाउंस तो होगा लेकिन थोड़ा सा डार्कनेस एंड क्लीन लुक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जीरो यूज करते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस वैल्यूज है, इसकी जो सीन की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होगा। तो 999 ये है डिफॉल्ट वैल्यूज, इसे यूज करते हैं तो डार्कनेस आएगा, बाउंस डार्कनेस रेंडर आएगा, एंड जीरो यूज करते हैं तो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस आएगा।